আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেরিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়েসী সাহাব কি মুসলমানোঁ সে ইয়ে বড়ি আপিল হ্যায়। নাজরীন ইস ভিডিও কো পুরা দেখো আর লাইক শেয়ার করকে দূসরোঁ কো ভি ইস ভিডিও কো পৌঁছা দো ওক্ত সে পহলে পহলে দেখো ইয়ে ভিডিও। नहीं भाई, काम करेंगे ना, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा के जब प्रोसेशन आएगा जी टीवी में लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। कैरी करिए आप देख लीजिए पत्थर कौन फेंक रहा है। हम मैं तो ये बोला हूं ना, क्योंकि आप तो घर तोड़ दे रहे हैं। जिसका हाथ कटा हुआ है वसीम शेख का, उसका आपने कारोबार को बर्बाद कर दिया पत्थर फेंका। जो 70 साल का बूढ़ा है आपके खरगोन में, आप उनको पीट पीट कर घर तोड़े पत्थर फेंकने का इल्जाम लगाए। तो पूरे भारत के मुसलमानों से, बल्कि मंदिर के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं, जब कभी भी जिस किसी का प्रोसेशन जाएगा, चाहे मीलाद का प्रोसेशन हो, रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, गणेश का हो, बोनाल का हो, जो कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जाएगा, कैमरा लगाइए हाई रेजोल्यूशन और फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करिए, ताकि लोग देखें ना। पुलिस तो अंधी बन चुकी है, आंखों में पर्दा पड़ चुका है उनके के पत्थर फेंके। हर गड़बड़ मुसलमान करता है ना, और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसमें झूठ साबित निकलता है कि भाई हुआ ही नहीं है। तो आप जोधपुर में एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एक हजरत पुलिस के जिम्मेदार आदमी एक पट्टी बन रहे हैं जिस पर लाल रंग लगा हुआ है, पहले से वो जख्मी हो गए। अरे यार, ये तो बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म स्टारों को पानी पिला देंगे अगर एक्टिंग करना शुरू करेंगे पिक्चरों में तो।